नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की जो हॉरर स्टोरी है ये मुझे भेजी है अमन ने, जो कि बैजनाथ के रहने वाले हैं। और इनके मुताबिक ये स्टोरी काफ़ी प्रचलित है और पुरानी स्टोरी है, तो काफ़ी लोगों ने ये ऑलरेडी सुनी हुई है और काफ़ी लोग कहते हैं ये एक सच्ची घटना है। तो ये स्टोरी जो है ये है एक ढोली की, ढोली जो ढोल बजाते हैं मतलब शादी और फंक्शनों में जा जाके, तो ये एक ढोली की कहानी है। ये हादसा उसके साथ हुआ था। अब जो जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, स्पेलिंग इन्होंने लिखी है DRUGH। अब ये द्रुग है, द्रग है या ड्रग है, क्या है मुझे नहीं पता। तो ये वहां की कहानी है स्पेसिफिकली। सो स्टोरी कुछ इस प्रकार के है। उस जमाने में एक ढोली हुआ करता था जो कि बहुत ही प्रचलित था, और जब भी किसी के घर शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी होते थे तो उसी ढोली को बजाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उससे बेहतर ढोली कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, वो किसी फंक्शन में गया था ढोल बजाने के लिए, और वहां से आते आते उसे काफी देर हो गई थी। तो जो फंक्शन वाले थे उन्होंने उसे कहा भी कि वो रुक जाए और अगले दिन चले जाए, बट उसने कहा नहीं। उसके अगले दिन भी उसे किसी फंक्शन में जाना था, तो उसे नींद अपनी पूरी करनी थी, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। अब भेजी हुई स्टोरी के अनुसार दो रास्ते हैं जहां से वो जा सकता था। एक था कि वो अपने सीधे रास्ते से चला जाए, बट वहां से उसे वो रास्ता लंबा पड़ना था, वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी थी तो वो और लेट पहुँचता। और दूसरा रास्ता था कि खड्ड को पार करके जाना, नदी खड्ड। अब फिर आगे स्टोरी में काफ़ी लोग बोलते हैं खड्ड क्या होती है, एक नदी होती है बट शॉर्टर वर्जन ऑफ नदी, जिसे आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, तो उसे पार करके जाना था। और हिमाचल में खड्ड क्रॉस करना पुराने ज़माने में एक बहुत आम बात होती थी, क्योंकि रोड कनेक्शन और लिंक्स वगैरह नहीं होते थे, तो ज़्यादातर लोग खड्ड को पार करके ही अपने दिनचर्या की गतिविधियाँ करते थे। तो वैसे ही उसे अब वो खड्ड पार करके थोड़ा जंगल के रास्ते से जाना था। अगर वो इस रास्ते को पार करके जाता तो उसका घर वहां से थोड़ा नजदीक पड़ना था और काफी समय बच जाना था। तो ढोली ने डिसाइड किया कि अब मैं इसी रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी रात हो गई है। ढोली जो था वो थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना स्ट्रांग उसका था, और उसे मतलब ज्यादा डर डूर इतना नहीं लगता था। ऑल दो ऐसी चीजों का, अब पुराने जमाने में इतनी चीजें होती थी तो उसे पता तो था कि हो सकता है या होगा या नहीं होगा, बट एक तरह से होता ना कि उसकी विल पार बहुत मजबूत थी और वो बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट था। तो अब ढोली अपने घर के रास्ते के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो खड्ड पार करके दूसरी तरफ पहुंचा तो सामने उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। उसका ना प्रॉपर कद काठी कोई मतलब एक मनुष्य जिसको बोलते हैं हम इंसान की तरह, उसकी कोई कद काठी नहीं थी बट वो था इंसान ही, और उसकी शक्ल भी बहुत अजीब सी थी। और ढोली जो था वो थोड़ा सा उसको देख के हैरान हुआ कि ये कौन आदमी होगा जो इतनी रात को यहाँ नदी के किनारे मतलब खड़ा हुआ है। और ढोली ने थोड़ा मतलब इग्नोर करने की उसे कोशिश की और वो थोड़ा अपने रास्ते चल दिया। तो जैसे ही वो अपने रास्ते चलने लगा, जो दूसरा सामने खड़ा इंसान था उसने जोर से आवाज़ डाली कि मामे मैं सुने भाई तू बड़ा भारी छाया ढोल बजांदा, मेरा बड़ा भारी मन की त्याज न चढ़े जो तू मुझे ढोल बजाई के सुनाई दे। हिंदी में इसका मतलब है कि उस आदमी ने कहा कि मामा जी मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा ढोल बजाते हो, आज प्लीज मुझे भी ढोल बजा के सुना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है नाचने का। तो जो ढोली था वो थोड़ा सा मतलब डर गया, क्योंकि उसे थोड़ा सा शक लग पड़ा था होने की इतनी रात को कोई आदमी यहाँ पे मिला और ऊपर से वो ढोल बजाने के लिए कह रहा है और नाचने के लिए कह रहा है। उसने उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की और उसने थोड़ी हिम्मत रखी और अपना डर को ना दिखाते हुए उसने कहा कि नहीं नहीं अच्छा मैं बड़ा बारी थकी गया, कहने मेरी कल भी मतलब साई है कुत्ती, कहने मैं तो जाना है आज नहीं बजाई सकता मैं। मतलब कि उसने उस आदमी को मतलब जो भी वो आदमी या भूत था उसे कहा कि आज नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और कल भी मुझे फंक्शन में जाना है और आज मैं नहीं बजा पाऊँगा। तो इसके रिस्पांस में जो सामने वो दूसरा बंदा था उसने कहा कि ना ना मामा मैं बड़ा भारी तेरी तारीफ सुनी हो, कहना इस मेरा बड़ा मन करा था नचने हो, मुझे एक बारी बस ढोल बजाए के सुनाए थे, मैं बड़ा भारी नचना है। मतलब कि उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं मामा मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है तेरी और आज तो तू मेरे को ढोल सुना ही दे, मतलब मैं दिल खोल के नाचना चाहता हूँ आज, तो बस ढोल सुना दे। तो इतने में ढोली ने सोचा कि अब ये ज़्यादा बोल रहा है, मैं कुछ ऐसा कदम ऐसा ना कर दूँ कि मेरे पे वो चीज़ भारी पड़ जाए, तो इसलिए उसने अपने डर को काबू में रखते हुए ऐसा शो किया कि लाइक उसके लिए ये सब नॉर्मल है और उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। और उसकी बात सुनते ही ढोली ने अपना ढोल बजाना चुपचाप शुरू कर दिया। जैसे ही ढोली ने ढोल बजाना शुरू किया वो आदमी नाचने लग पड़ा, और देखते ही देखते ना जाने वहां 10 15 20 कहां से लोग आए,
वो भी बिल्कुल उसके जैसे, ना कोई प्रॉपर ढंग की कद काठी, कईयों की तो शक्लें भी नहीं दिख रही थी, और कई कोई बहुत ऊंचा, कोई बहुत छोटा, मतलब वो क्या ग्रुप था ढोली को कुछ नहीं समझ आ रहा था। और ढोली ने लगातार 5-10 मिनट के लिए वो ढोल बजाया, और वो जो भी थे लोग वहां पे वो खूब नाचे। 5 से 10 मिनट नाचने के बाद एक आवाज आई, बस मामा बस, आज तक दिल्ली खुश करता, इतना दिना ते नचने जो मन की था, आज थोड़ा ढोल सुनी के दिल खुली के नची लिया मैं। उस आदमी ने कहा, जिस आदमी ने उन्हें ढोल बजाने के लिए कहा था, उसने कहा कि बस मामा बस, आज तो आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया, इतने अरसे से नाचने का मन कर रहा था और आपने बहुत ही अच्छा ढोल बजाया और आज मैं बहुत ज़्यादा नाचा। तो इतने में ढोली ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे आराम करना है और कल भी मुझे कहीं जाना है। तो उस आदमी ने कहा कि रुका मामा, अपना इनाम तो लेके जा, रुको मामा अपना इनाम तो लेके जाओ। तो इतने में वो जो आदमी था वो खड्ड के किनारे गया, और न जाने उसके पास कहाँ से झोले की तरह, बोरी बोल लो या झोला बोल लो, वो उसके पास आया और उसने जो खड्ड के आसपास नदी के किनारे जो मिट्टी होती है, उस आदमी ने उस मिट्टी को उस बोरे में, थैले में भरा और उस ढोली को दे दिया और कहा कि ये ले तेरा इनाम, इसको पूरे रास्ते में कहीं मत खोलना, जब घर जाएगा, घर पहुंचते ही इस बोरी को खोलना। तो वो जो ढोली था उसने वो बोरी उठाई और एक साइड पे ढोल और एक साइड पे वो बोरी लेके वो अपने रास्ते चल दिया। पूरे रास्ते में उसे कोई दोबारा से ऐसा लोग नहीं मिले और ना ही ऐसी कोई उसके साथ घटना हुई, बट चढ़ाई वाला रास्ता था तो ऊपर जाके वो ढोली बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो पहले भी थका हुआ था, अब उसे एक साइड पे वो बोझ उठाना पड़ रहा था जो कि उस भूत ने उसे दिया था। तो वो एक पॉइंट पे आके वो थक गया और उसने सोचा कि अब मेरे से ये बोरी नहीं ले जाएगी, अगर मैं ये ले गया तो शायद मैं ही मर जाऊँ, वो इतना ज़्यादा थक गया था। तो उसने क्या किया कि एक पॉइंट पे आके वो जो बोरी थी, उसकी जो धूल मिट्टी जो उस भूत ने उसमें डाली थी, उसने वो सारी मिट्टी वहाँ पे फेंकी और खाली झोला बोरी ये सोच के ले गया कि शायद ये मेरे किसी काम आ जाएगी घर पे। तो मिट्टी को वहाँ पर फेंक के उसने वो झोला या बोरी जो भी थी उसे अपने पास रखा और घर चला गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी बीवी उसके लिए पानी और चाय लेके आई, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि बाहर एक मैंने बोरी रखी हुई है, उसे अच्छे से झाड़ ले, उसमें मिट्टी है और उसे धो दे और हमारे किसी काम आएगी। तो उसकी बीवी ने उसे चाय पानी दिया और वो बाहर गई, जैसे उसने बोरी को झाड़ा अंदर से सोना निकला। तो उसने फटाफट चिल्ला के अपने पति को बुलाया जो कि ढोली था कि ये देखो ये क्या है। ढोली सोने को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसने कहा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है उस आदमी ने रात को इस बोरे में मिट्टी डाली थी जो कि खड्ड के किनारे होती है, ये सोना कैसे बन गया। तो ढोली और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और ढोली फटाफट वहाँ पे गया जहाँ पे रात को उसने वो मिट्टी फेंकी थी। जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचा, मिट्टी तो थी बट वो मिट्टी ही थी और वो सोना नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा बाद में पछताया कि शायद मुझे ये मिट्टी यहाँ पे नहीं फेंकनी चाहिए थी, और अगर मैं इसे घर ले आता तो शायद वो सारा सोना उसके पास होता। तो ये बहुत ढोली उसके बाद बहुत पछताया। तो इतनी सी स्टोरी है, लास्ट में उन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, बट ये बहुत प्रचलित स्टोरी है जो कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर किसी ने, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सुनी है और आगे सुनाई है। तो आई होप आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप बताना आपकी क्या राय है स्टोरी के रिगार्डिंग। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, यूनिक सी, स्पूकी सी, स्केरी सी, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे मेंशनड है, आप मुझे मेल करके अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। और अगर आपकी स्टोरी सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और आपकी स्टोरी अगर सबसे अलग हुई और हटकर हुई, तो आपकी स्टोरी ज़रूर मैं शेयर करूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, तो अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी पोस्ट कर दी जाए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड और हैव अ नाइस नाइट अहेड अगर आप रात को ये कहानियाँ सुन रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलूंगा अगली हॉरर स्टोरी के साथ, बाय बाय।